दोस्तों, आपने ये तो अपने जिंदगी में देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग आपको ताने मारते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, पर लोगों का तो यही काम होता है आपको ताने मारना, या आपको आप कुछ आगे बढ़ रहे हो तो आपको आगे बढ़ने से रोकना, यही तो उन्हें और उनका काम होता है। इसलिए कभी भी आप काम करें तो उन लोगों के ऊपर अनदेखा नज़रअंदाज करें, जिससे अपना ध्यान उनके ऊपर जाने ना दें और अपने काम के ऊपर ध्यान दें। बातें कुछ कुछ कड़वी ज़रूर है, पर सच सत्य तो वही है। अमीर इंसान और अमीर बनने के लिए अपने पैसे खर्च करता है, और अमीर बनने के लिए, पर गरीब इंसान अमीरी दिखाने के लिए अमीर बनता है, या पैसे इस्तेमाल इसलिए करता है अमीर हो ऐसा दिखाने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसी मत सोच रखना कि मुझे सिर्फ दिखावा करना है। दिखावा नहीं, दिखावा तो लोग करते हैं, पर आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होता। उनके दिखावे से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपके दिखावे से उनको कोई। इसलिए दिखावा नहीं, सफलता को हासिल करो। अमीर बनना ही है तो अच्छे मार्गों से, अच्छे तरीके से अच्छे बनो, और सच्चे राह पे चलते हुए ऊपर पहुँचो। ऊपर मतलब कि आगे, ऊपर मतलब कि अच्छा, अमीर और सबकी मदद करो। कभी भी इंसान ऐसा ही सोचता है कि मैं इसको जल्द ही कर लूँगा, पर जल्द कब? कभी भी कौन से भी काम को करने के लिए एक वक्त पूरा अपना सारा विचार करके उस वक्त बना लेना है कि मेरे को इस 1 घंटे में या आधे घंटे में इस काम को कर ही लेना है। ऐसे ठान लो और उस वक्त में ही उस काम को ख़त्म कर दो, और जल्द ही दूसरे काम को लग जाओ। इस तरह आप करोगे तो जल्द ही आप सफलता को हासिल कर लोगे। और कभी भी बदलाव बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, और बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके अंदर भी बदलाव होना चाहिए, तभी आप आगे सफलता को हासिल कर सकोगे। बदलाव आपके खुद के अंदर बदलाव होना चाहिए। किन किन बुरी चीज़ों का, बुरी आदतों का, उनको छोड़ के अच्छी आदतों को अपना लो, और उन अच्छी आदतों को ऊपर चलो। आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। मौसम के अंदर बदलाव आता है तो आपके अंदर भी आना चाहिए, और समय के साथ लोग बदलते हैं। आपको ऐसा लगता है अपने तो वो होते हैं जो हालचाल पूछते हैं। दोस्तों, हालचाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं, पर हमें कुछ दर्द हुआ, दुख हुआ तो वो उन्हें भी पता होता है। वही तो होते हैं अपने, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमारा साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। वही तो होते हैं अपने। बुरा समय जब आता है तब तो सब कुछ पता चल जाता है, कौन अपने है और कौन परा है। इसलिए कभी भी हर एक समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे फूल के लिए बारिश भी ज़रूरी है। बहुत कड़कड़ी और बहुत तेज़ बारिश भी ज़रूरी है, और बहुत तेज़ धूप भी ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत मिट्टी भी ज़रूरी है। हर एक चीज़, जैसे उस फूल को
फूल को उगने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह हमें भी सफलता को हासिल करने के लिए और हमें सीखने के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। उसी तरह दुख, दर्द, सुख सब कुछ आता है हमें समझाने सिखाने के लिए। धूप, धूप जैसे फूल को लगती है उसी तरह सुख भी हमें लगता है, और जैसे बारिश फूल को लगती है उसी तरह दुख भी हमें ज़रूरी है। इसलिए सारी चीज़ें अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। और बदलाव, बदलाव तो हर एक चीज़ में चाहिए। कोई बुरा इंसान है तो उसको अच्छा बनना पड़ेगा, उसमें भी बदलाव चाहिए। आप बुरे हो तो आपको भी थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा, सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए, अच्छे से जीने के लिए आपके अंदर भी बदलाव चाहिए। मौसम एक ही रहेगा, सिर्फ धूप ही रहेगी तो कैसे चलेगा? बारिश भी आनी चाहिए, सिर्फ बारिश ही चलेगी तो धूप कैसे आएगी? धूप भी चाहिए। इसी तरह इन सारी चीज़ों के अंदर बदलाव है, मौसम के अंदर बदलाव है, दिन रात के अंदर बदलाव है, सबके अंदर बदलाव है, तो आपके अंदर क्यों नहीं? इसलिए आप भी खुद के ऊपर बदलाव लाओ। बुरी चीज़ें हैं तो उसे अच्छे करो, और अच्छी चीज़ें हैं तो उसे और अच्छे करो। और ये चीज़ें आपको करनी चाहिए तभी, और ये चीज़ें आपके नियंत्रण में जब होगी तब आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। और ये चीज़ें आप जब आपके काबू में होंगी तभी आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि रिश्ते नहीं तोड़ने पर सफलता को भी हासिल करना है, सफलता हासिल करते हुए सुख में भी जीना है, ज़्यादा दर्द भी नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उसी तरह आपको सफलता हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। उसी तरह आपको सुबह उठना पड़ेगा, अपनी सुबह की नींद सबको सुबह सुबह आती है, पर उसी नींद को जो छोड़ के उठता है और अपने काम में लगता है वही जल्दी सफलता हासिल करेगा। इसी तरह कुछ कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है। और दोस्तों, आपके नियंत्रण में ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली ज़ुबान। ज़ुबान बहुत बड़े बड़े काम करती है, मैंने बहुत से वीडियो में आपको बताया है। जैसे कि अपने रिश्ते, बड़े से बड़े रिश्ते टूटे हुए जोड़ती भी है और बड़े से बड़े अच्छे रिश्ते भी तोड़ती है। कुछ भी कर सकती है ज़ुबान, सिर्फ इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए तो ये कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले ज़ुबान आपके नियंत्रण में आनी चाहिए। कौन सी भी चीज़ जल्द ही नहीं होगी, एक दिन में कौन सी भी चीज़ नहीं होगी, उसको आप करते जाइए, धीरे धीरे आप उसके ऊपर नियंत्रण पालोगे। दूसरी चीज़ है डर। डर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि असफलता का डर, या कौन से इंसान से डर, या कौन से पशु पक्षी से डर, या किससे भी डर, इंसान को किससे भी डर होता है। इसलिए धीरे धीरे उस काम को करिए जिससे आपको डर लगता है, धीरे धीरे वो डर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस काम को करें डर ख़त्म करने के लिए, और धीरे धीरे सारे डर ख़त्म करते जाइए, और ये दो चीज़ों के ऊपर काबू पा लीजिए। और तीसरा है, जो तीसरी चीज़ है उसको भी आपके काबू में चाहिए, जो कि है खुद का मन। क्योंकि मन जब आपके काबू में होना ही होना चाहिए, इसको हासिल करना या इसको अपने काबू में लेना बहुत मुश्किल है, पर यही आपको बदलाएगा, आपको बदल देगा और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मन को ऐसा बताओ, कुछ खा रहे हो, आपको यही चाहिए या वही चाहिए, ऐसे मत कहो। अपने खुद के दिल को कहो, चुपचाप बैठो और ये खा लो। इस तरह धीरे धीरे अपने मन को भी कहते जाओ, धीरे धीरे वो भी आपकी बात मानेगा। और कौन सी भी चीज़ हो, आपको सिर्फ सफलता ही हासिल करनी है, ऐसा ही सोच के आगे बढ़ना है। और दोस्तों, कौन सी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सच्चे और अच्छे मार्ग से ही सफलता को हासिल करें। कौन सी भी चीज़ को हासिल करना हो, अच्छे और सच्चे मार्ग से ही करें।
कभी भी बुरी तरीके से कौन सी चीज़ को हासिल ना करें, क्योंकि वो चीज़ थोड़े ही समय के लिए आपके खुशी रखेगी, बाद में वो बहुत दुख देगी। वो मेरे ज़िंदगी में आए वो चीज़ या वो सफलता और जल्द ही चली गई, ऐसा बाद में लगेगा। इसलिए अच्छे मार्ग से ही करें, अच्छे मार्ग की चीज़ें ज़्यादा समय, ज़्यादा दिन, ज़्यादा वर्ष टिकती हैं, पर बुरी चीज़ों से हासिल की गई चीज़ ज़्यादा समय नहीं टिकती। इसलिए कभी भी अच्छे तरीके से ही सफलता या कौन से भी चीज़ को हासिल करें, और कभी भी सबका अच्छा सोचें, बुरा नहीं, क्योंकि जितना आप दूसरों का बुरा सोचोगे उतना आपका भी बुरा फल मिलेगा। इसलिए सबका अच्छा सोचें, फल मिलने के लिए नहीं, आप अच्छे रहो और अच्छे ही रहने दो। इसलिए और कभी भी किसकी सहायता करें या मदद करें या कुछ भी करें, सबका अच्छा हो, तो ऐसा सोच के अच्छा मत करना कि मुझे फल मिलेगा। अच्छा कौन से भी मदद को, काम को, सहायता को करने के बाद उसे भूल जाइए, फल की आशा मत कीजिए। ज़्यादा आशा भी रखना कोई महत्वपूर्ण या अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा आशा रखना बुरी बात है। इतनी ज़्यादा आशा मत रखो, और कुछ आपको हासिल करना ही है तो खुद के दम पे करो, रिश्ते बनाओ, पर इतना ज़्यादा भरोसा ना रखो, अंधविश्वास। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में दुख है, सुख नहीं है, और इतने दिनों से, इतने वर्षों से मैं सिर्फ दुख का ही सामना कर रहा हूँ, कभी मुझे सुख ही नहीं मिला, तो दोस्तों आपको बहुत सुख मिले हैं, और भगवान ने भी आपकी बहुत ज़्यादा सहायता की है। कौन सा दुख आए या कौन सी चीज़ आए तो उन्होंने आपकी सहायता की होती है, पर उतनी सहायता जो की होती है जो कि आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि जितना आगे दुख दिखता है उतना ही आपको लगता है कि ये इतना दुख है, पर बाकी का जो दुख होता है जो कि भगवान ने ख़त्म किया होता है सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। और कभी भी भगवान को कोसे ना, क्योंकि आप ही कर्म करते हो और उसका फल भी आप ही को ही मिलता है। इसलिए कर्म अच्छे तो फल भी अच्छा, इसलिए कभी भी कर्म सोच समझ के और अच्छा ही करें। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना, देखा, अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारना और अपने ज़िंदगी में सफलता ज़रूर हासिल करना। दोस्तों जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।